नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो अपन पढ़ेंगे, अब आज पढ़ेंगे अपन। देखो, अपन ने पढ़ लिया एक चैप्टर जिसका नाम था क्या, बीमारी, डिजीज। डिजीज अपना कंप्लीट हो गया है। टोटल मिला के 9 क्लासें हो गई हैं। जैसे जैसे और आएंगे क्वेश्चन, वैसे वैसे बीच में बता देंगे, ठीक है? ये अपना कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको साथ साथ में पढ़ते रहना। अब आज पढ़ेंगे अपन पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ, जिनको क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। पोषक पदार्थ का मतलब आप समझते हैं कि अपन क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, मतलब एक तरह से बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन, उनके बारे में। कौन सी चीज़ है जिससे अपने को क्या मिलता है, कौन सी चीज़ है जिससे अपने को क्या कम और क्या ज़्यादा मिलता है, ये अपन सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, पोषक पदार्थ के बारे में अपन पढ़ते हैं। स्वस्थ भोजन की थाली दे रखी है पोषक पदार्थ, ठीक है? उसमें अपन पढ़ रहे हैं कि अपने को क्या चीज़ लेना चाहिए, पोषक पदार्थ, क्या चीज और कितनी मात्रा में, ये दे रखा है। ये थाली है, देखो उसमें ऐसे कलर भी दिया इन्होंने, सब्जियां, हरी सब्जियां खानी चाहिए अपने को, दे रखा है। स्वस्थ, ये देखो, स्वस्थ तेल खाना चाहिए, सब्जी में तेल डाला जाता है तो ये तेल भी इधर डाल रखा है। स्वस्थ संयंत्र तेल या फिर वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, जैसे जैतून, ओलिव, कनोला, सरसों का खाना पकाने में, सलाद में या टेबल पर उपयोग करें। बटर, घी को कम खाएं और ट्रांस फैट से दूर रहें। ट्रांस फैट से तो दूर रहना, ठीक है? और किसको, बटर को और घी को कम खाना है। देखो, हम तो गांव से आते हैं भाई, बटर और घी ज़्यादा खाने वालों में है, पर इसको कम खाना चाहिए। और तेल ज़्यादा कौन सा, ओलिव ऑयल या तो फिर, या फिर कनोला या फिर सरसों का तेल। सरसों का तेल अपन मोस्ट ऑफ खाते हैं। फिर दे रखा, जितनी ज़्यादा और जितने प्रकार की सब्जियां खाएं उतना अच्छा। इसमें आलू और फ्रेंच फ्राइज नहीं गिने जाते। आलू को, पोटैटो को, और आलू से बनता है फ्रेंच फ्राइज, उसको काउंट नहीं किया जाता। सब्जियां जितनी ज़्यादा खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ये बता रहा है, ठीक है? फिर दे रखा है फ्रूट, यहाँ फ्रूट दे रखा है। खूब सारे और कई रंगों के फल खाएं। कई रंगों के मतलब जितने कलर के फ्रूट आते हैं ना, वो सब खाने चाहिए अपने को, तो ये भी एक हेल्दी डाइट में इंक्लूड होता है। फिर देखो, दे रखा है पानी। पानी तो एक स्वस्थ मनुष्य का आइडिया हमेशा ही आता है कि इतना पानी पीना, तो ये देखो दे रखा है पानी, चाय या कॉफ़ी पिए, कम या बिना चीनी के पिए। कॉफ़ी और चाय का यूज किया जा रहा है तो या तो उसमें कम चीनी डालें या फिर डालें ही नहीं, ठीक है? दूध और दूध से बने पदार्थ, जैसे 1-2 सिरिंज्स एक दिन, मतलब पर डे, और फल के रस या जूस एक छोटा गिलास एक दिन को खाएं या फिर पिएं। मीठे पेय पदार्थों से क्या रहें, दूर रहें, ये भी दे रखा है। मीठे पेय पदार्थ होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये तो यूज आती नहीं है, इनसे तो दूर रहना है। पानी पीना है, एक स्वस्थ मनुष्य में 3 से 4 लीटर पानी तो रोज पीना ही चाहिए, ठीक है? ये इसमें डाल रखा है। फिर देखो, अनाज, साबुत अनाज या फिर होल ग्रेन्स, कई प्रकार के साबुत अनाजों को खाएं, जैसे पूर्ण गेहूं का ब्रेड, पूर्ण गेहूं की रोटी और ब्राउन राइस। संसाधित अनाज जैसे कि मैदा की रोटी और वाइट राइस को कम खाएं। मैदा की रोटी और जो वाइट राइस होते हैं ना, इनको कम खाना है। और ये दे रखा है, राइस तो आपको खाने हैं, पर वो कौन से राइस, ब्राउन कलर के जो राइस होते हैं उनको खाना है, साबुत अनाज में ये खाना है। प्रोटीन के लिए, अब देखो प्रोटीन के लिए दे रखा है मछली, मुर्गा, जो ये खाते हैं वो ठीक है, जो नहीं खाते हैं उनके लिए सबसे अच्छा स्रोत है दाल, और दाल ही खानी चाहिए, ठीक है? दाल, अखरोट को चुने, लाल मांस और चीज को कम खाएं, ये खाने ही नहीं चाहिए वैसे। बेकन, कोल्ड कट और अन्य संसाधित मांस से भी दूर रहें। अब देखो, थाली में आपको दिया है क्या क्या चीज़ खानी है, सब्जियाँ खानी है, हरी सब्जियाँ, तेल दिया है, 2-3 के नाम दिए हैं, कौन सा, ओली और सरसों का, मटर और सॉरी बटर और घी कम खाना है। फिर नेक्स्ट में दे रखा है फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। फिर दे रखा है साबुत अनाज, ये भी खाने हैं। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है? और ये नहीं है मीठा पेय पदार्थ, जैसे चाय, कॉफ़ी, इनको ज़्यादा यूज नहीं करना है, यहाँ दे रखा है पर भी ज़्यादा यूज नहीं करना है। और स्वस्थ प्रोटीन, प्रोटीन के लिए दाल सबसे अच्छा स्रोत है, उसके बाद में ड्राई फ्रूट है, उनमें अखरोट को दे रखा है, ये खाने हैं अपने को। ये है एक बैलेंस डाइट, ये अपने को
रोज खानी चाहिए। अब देखो बैलेंस डाइट की देखें कुछ क्या क्या चीज है। सॉरी, ये देखो ये है बैलेंस डाइट की थाली। तो इसमें दे रखी है ग्रीन फ्रूट मान लें, सैलेड मान लें, ये खाना है, चपाती गेहूं की बनी हुई, ये प्रोटीन के लिए दाल, इससे मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, ये चावल दे रखे हैं, ब्राउन राइस ठीक है, ये सब्जी है और साथ में दही है, दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट, ये अपने को एक बैलेंस डाइट होती है, ये अपने को रोज खानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। इन बातों को आप ध्यान रखें क्योंकि इनसे आप, अपने पहला टॉपिक पढ़ा था डिजीज, वो भी नहीं होगा, और पोषक पदार्थ लेंगे तो अपन हेल्दी भी रहेंगे, और आप इनको पढ़ेंगे याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में भी काम आएंगे। चलते हैं देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे, अपने विटामिन फिर से आ गए हैं, विटामिन तीन जगह आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है, बीमारी कौन सी होती है कमी से, वहां पूछ रहा है, यहाँ ये बोल देगा कि मतलब कौन डिजीज कौन सी होती है, तो ये पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि कोई दे देगा कि इनसे कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, पाचन तंत्र में आ जाते हैं कि कौन से का कहाँ होता है, पाचन तंत्र वाला ना उसमें आ जाते हैं, जैसे संतुलित भोजन के अलावा और आएगा एक चैप्टर उसमें अपन पढ़ेंगे। अब देखो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो आपको अगर याद है तो ये कम से कम 4-5 बार आ गया है, और आपको अब तो इनके सबके ही हो जाने चाहिए, कौन से की कमी से, तो होता विटामिन सी की कमी से, कौन सा रोग होता है स्कर्वी, विटामिन सी, अपना आंसर ये होगा। अब यहाँ विटामिन के ब्लड का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता इसमें, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात को कम दिखाई देना, ये हो जाता है। विटामिन बी पढ़ा आपने, कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन बी का, उसमें आता है एक B6, बी की कमी से होता है बेरी बेरी, जो कि B1 का प्रकार है, B6 की कमी से देखो प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, और प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, और क्या होता है इसे, मस्तिष्क का ना वो भी अनहेल्दी हो जाता है, मस्तिष्क का अनहेल्दी होना, अस्वस्थ होना, मस्तिष्क का अस्वस्थ रहना, ये सब इसमें शामिल रह जाते हैं। अब देखो इनके रासायनिक नाम, बाकी का तो मैं मानती हूँ कि आपको आते होंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम के का और सी का, सी का क्या है, एस्कोर्बिक एसिड, बाकी का मैं ये मानती हूँ क्योंकि इनमें मैंने आपको करवाया है, आप इनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इन दोनों को। B6 का मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका मैंने अभी तक बताया नहीं, इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन ये इसका नाम है विटामिन B6 का। बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, इस टाइप से चलता है, आ गया समझ। इन दोनों के नाम है ना जो, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें, पढ़ना भाई इसको। प्रोटीन है, कहाँ से मिलता है, दाल से मिलता है अपने को, ठीक है। ऊर्जा उपापचय, जीन के विकास, रखरखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, हाँ। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए, शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन जिसको कैरोटीन कहा जाता है, इनमें सल्फर बॉन्ड होते हैं, घुंघराले वालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं और जिनके सीधे होते हैं उनमें कम सल्फर बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है, देखो प्रोटीन का ज़्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब दे रखा है प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन वजन नहीं बढ़ाता ना, वजन तो ज़्यादा खाएंगे तो बढ़ा देता, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो। बालों को चमकदार, लंबा और काला बनाता है, ठीक है, कुल मिला के अकेले बालों के विकास में ही थोड़ी ना सहायक है, सबके विकास में, पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, पर्याप्त मात्रा में कंप्लीट बॉडी, होल बॉडी के लिए आवश्यक है ये वाला, ठीक है। अपने किसी भी कार्य के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल, देखो ये तो बिल्कुल से नेगेटिव होगा, नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है, सब में किया जाता है प्रोटीन का यूज, बॉडी है ना अपनी, बॉडी का विकास प्रोटीन के विकास से ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे
कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, यहाँ देखना नहीं करता है। कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ठीक है बॉडी के अंदर, या फिर कम भी होता है या फिर बढ़ भी जाता है, मोस्ट केसों में बढ़ता ही है। तो ये दे रखा भाई कौन सा जो नहीं करता, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, ये करता है तो ये होगा। उच्च घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन, ये कम घनत्व वाले और उच्च घनत्व वाले, ये दोनों ही लिपोप्रोटीन होते हैं और ये दोनों ही क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख करते हैं। रेसस फैक्टर जिसको आर एच फैक्टर बोलते हैं, ये तो एक ब्लड फैक्टर हो गया, सॉरी आर एच इस फॉर्म में नहीं, आर एच फैक्टर, जो कि रिसस नाम का एक बंदर था उसमें खोजा गया था, और ब्लड है ना अपना उसका एक पार्ट है, ब्लड में खोजा गया था ठीक है। तो ये डिब्बा बंद प्रोटीन कोट ये भी है, अब ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये नहीं करता, कौन नहीं करता, रिसस फैक्टर है। देखो 2016 में ऐसे क्वेश्चन आया है ये, आप इसको फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में याद रखें। कम घनत्व वाले प्रोटीन हो गए, वो भी कोलेस्ट्रॉल को उल्लेख करते हैं, उच्च घनत्व वाले भी करते हैं और डिब्बा बंद प्रोटीन भी करते हैं ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो विटामिन ए किससे संबंधित है, ये सारे आ गए हैं आपके पास में ठीक है। विटामिन ए किससे है, रेटिनोल से संबंधित है। एमिनो एसिड किससे होता है, प्रोटीन से आएगा, प्रोटीन पोषक पदार्थ में आता है। एस्कोर्बिक एसिड सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा शायद, विटामिन सी, और कोबालेमिन विटामिन बी 12 है, और जिसमें कौन सी मेटल होती है आपके पास, कोबाल्ट मेटल होती है। ये सब अब ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन याद रख लेना, कभी किसी का पूछ लेगा कभी किसी का पूछ लेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः UHT फुल फॉर्म दे रखी है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, और इसका ये भी आती है फुल फॉर्म अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है ना, यहाँ ये भी आती है अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट। अब देखो आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा कि हीट ट्रीटमेंट, ये तो समझ आ रहा होगा कि बहुत उच्च तापमान, अब उच्च तापमान पे परकर्मण का प्रयोग कब किया जाता है, किसको, तेल को संरक्षित रखने के लिए ना, पानी को, पानी को तो देखो फिल्ट्रेशन करते हैं तो हो जाता है शुद्ध, गर्म करने पे भी होता है, पेट्रोल, पेट्रोल को नहीं कर सकते अपन। अब देखो दूध आता है डिब्बा बंद दूध, जिसको अपन पॉलीथीन पैक बोलते हैं ना, वो वाला अपना थैली वाला दूध आता है, उसको पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे अल्ट्रा हीट टेम्परेचर या फिर अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है ठीक है। तो ये दे रखा है ये किसके लिए, दूध के लिए, दूध को 135 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे कई दिन तक, जितना उसका टाइम पीरियड होता है भाई, एक वीक 10 दिन इतने वीक तक वो क्या रहे, सेफ रहे, फटे नहीं। तो वो किया जाता है किसके साथ में, किया जाता है दूध के साथ में ठीक है। UHT आ गया क्वेश्चन समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये देखो आपके पास में विटामिन दे रखे हैं तो ये आपने पढ़ लिए हैं, वो विटामिन है आपका विटामिन के, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अभी भी मैंने लिखा था ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है ये, ब्लड क्लोटिंग में। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से, कमी से रोग हो जाता है कौन सा, रिकेट्स, ये रिकेट्स में है। विटामिन ए से क्या, सॉरी हाँ ए भी दे रखा है, ए से क्या हो जाता है, अभी लिखा था आपने रतौंधी, और ई का भी नाम आया है आपके पास में शायद कल आया होगा, कल वाली क्लास में, टोकोफेरोल नाम है। और इससे देखो क्या होते हैं, मतलब बंदे तक इसी कंडीशन आती है ठीक है, जो अपना जनन तंत्र है ना वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो इसमें ये है। अब ये इनके नाम है और इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके नाम ये आप याद रखेंगे। तो विटामिन के किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो एपगार स्केल क्या है, ये एक स्केल है, ये किसको मापती है। देखो पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, अपन एक तरह से पोषक पदार्थ पढ़ रहे हैं ठीक है, तो थोड़ा तो देखो अपन कभी कभी ये है कि पोषक पदार्थ पढ़ते हैं तो थोड़ा तो रिलेट कर सकते हैं। तो समय मापने का नहीं है, पर्वतों की ऊंचाई मापने का नहीं है, लंबी आयु निश्चित करना, तो लंबी आयु निश्चित करने के लिए स्केल ये भी नहीं है। ये है देखो जो
नवजात शिशु है ना उसकी भौतिक स्थिति निश्चित करने का, अभी जो बच्चा जन्म लिया है उसके क्या मतलब क्राइटेरिया क्या पैमाना है कि वो, तो उसके लिए एक स्केल काम में ली जाती है, वो होती है अपगार स्केल, उसमें उसका कलर, उसका बॉडी इंडेक्स ये सब देखा जाता है। देखो थोड़ा सा इसमें देखें, आपको तो यही याद रखना जो पीछे आया, ये है अपगार, फुल फॉर्म देखो एप्रीसियंस पल्स ग्रेमियंस एक्टिविटी और रेस्पायरेशन, ये सब मापा जाता है 0 पॉइंट में। तो ये दे रखा भाई कलर दे रखे हैं त्वचा के कलर, स्किन कलर दिया, ये पल्स अभी एब्सेंट प्रेजेंट कुछ ऐसे दिखा रखे हैं, आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। पर ये कि अपगार स्कोर है ना वो किसको मापने में, जो नवजात शिशु होता है ना छोटा बच्चा उसको मापने के लिए एक स्केल है। देखो छोटे बच्चे है ना वो हल्के गुलाबी से थोड़े दिखाई देते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ हल्के गुलाबी या भूरे भूरे दिखाई देते हैं, तो या तो वो ये देखो दे रखा है सॉरी थोड़े नीले नीले, या तो ब्लू या फिर पेल, पेल का मतलब ऐसे ब्लू से थोड़ा सा डार्क, फिर देखो पिंक बॉडी दिखाई देती है, तो ये दे रखा भाई ये इनका मापने का एक स्केल है। आपको तो इसका इतना याद रखना कि अपगार है क्या चीज, अपगार नवजात शिशु को मापने के लिए एक स्केल है, उसके मतलब क्राइटेरिया को निश्चित करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, वो है ए का। आपके पास में येलो फ्रूट होते हैं ना, येलो फ्रूट जितने भी आते हैं उनमें कौन शामिल है, बनाना मैंगो पपाया ये सब, और क्या चीज होती है आप पढ़ते हैं गाजर कैरेट जिसको बोलते हैं, ये सब किसके हैं विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। देखो क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, 14 में पूछा है, जेई में पूछा है आपके, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है, तो ये पोषक पदार्थ में शामिल हो गया है, पोषक पदार्थ पढ़ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि कौन से फ्रूट से क्या मिलता है अपने को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, दूध से दही बनाने में काम कौन करता है, ये क्वेश्चन आपके पहले भी आया था, मैंने पढ़ाया था, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, मैंने उस टाइम भी आपको यही बोला था, दूध से दही बनाने का काम करता है मम्मी, मम्मी करती है ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास मम्मी का, तो ऑप्शन में चले, ऑप्शन में है यहाँ पर जीवाणु बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है वो करता है जो दही डालती है ना मम्मी, दूध में थोड़ा सा दही जामण बोलते हैं जिसको, वो डालती है, तो उसमें एक होता है बैक्टीरिया, नाम होता है उसका लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है दूध है उसको दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। आ गया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये विटामिन सी ए बी डी ई के जितने भी विटामिन है इनको अच्छे से रोज तो सेवन करें इनका, और इनको अच्छे से याद करें, तो इनमें दे रखा है कौन सा रोग हो जाता है, वो जाता है स्कर्वी, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे चलते चलते याद होने चाहिए, ये किसकी कमी से, सी की कमी से, ये ए की कमी से, ये बी वन की कमी से, और ये डी की कमी से, इनके नाम और ये सब विटामिन बार बार में जैसे आ रहे हैं ना वैसे वैसे आप इनको याद करते जाएं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो मछली से अपने को ये मिलता है तो उसमें आपके पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन डी पाया जाता है, जो और कहाँ मिलता है अपने को सनलाइट में, और कहाँ से मिलता है कोड लीवर ऑयल से मिलता है, ठीक है। चलते हैं, इसमें कौन सी मेटल होती है आपके पास में, कोबाल्ट, ठीक है, और इसमें इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, और सी की कमी से अभी अभी आया है आप लिखेंगे कौन सा, स्कर्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी का सर्वाधिक आम स्रोत क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा डी अपने को कहाँ से मिलता है, मक्खन से मिलता तो अपना डी नहीं मिलता इतना ज़्यादा, समुद्री जल से, नमक मिलता है अपने को, और आयोडीन मिलती है, गाजर से मिलता है विटामिन ए अभी लिखा था, तो सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कमी से रोग हो जाता है कौन सा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, तो ये कहाँ से मिलता है सनलाइट, तो देखो धूप सेकना भी कंपल्सरी है कम से कम 20-25-30 मिनट तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय थाली में दे रखा है ये लो जी बना दी थाली, ये हो गई अपनी थाली हो गई, अगर गोल ना बने तो आप क्या मान लेना, पत्तल मान लेना, ठीक है। इसमें दे रखा है एक तो ए रखा है, ठीक है, फिर एक बी रखा है, फिर एक सी रखा है, अब इनके नाम लिखें। ए क्या चीज है, ए तो है अपनी चपाती, चपाती किसकी बनती है, मोस्ट ऑफ अपन गेहूँ यूज करते हैं तो गेहूँ की, बी है दाल, दाल है, ये लो जी दाल हो गई बी, सी है
हल्के तेल में पकाई गई सब्जी, तेल भी कम में लिया, कम लिया, हल्के तेल में पकाई गई, पूरा नाम इसलिए लिख रही हूँ क्या पता कोई ज़्यादा चीज़ मिल जाए। देखो तेल भी हो गया, तेल से अलग मिलता है और सब्जी से अलग चीज़ मिलती है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ए बी सी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, एक में कौन आपके पास चपाती, तो चपाती से अपने को मिलता है गेहूं, और गेहूं मतलब क्या है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऑप्शन ये कि दे रखा, देखो कितनी अच्छी बात है अगर आपको आता हो तो। ए में कार्बोहाइड्रेट, ए में कार्बोहाइड्रेट, तो एक ही ऑप्शन में ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अगर एक ऑप्शन से आपको आ रहा था तो काम हो रहा है। फिर देखो दूसरे पे चले जाओ, दाल, दाल से आप पढ़ते हैं क्या मिलता है आपको, प्रोटीन मिलती है, और प्रोटीन बॉडी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाता है। बी में प्रोटीन, वैसे एक आता तो दो तो फिर भी कैंसिल हो जाते हैं, ये और ये, तो दो पे चले जाते हैं आप ऑप्शन में। फिर दे रखा है सी, सी क्या है हल्के तेल, और तेल जो चिकना पदार्थ होता है उससे अपने को मिलता है क्या वसा, वसा मिलता है, और सब्जी, सब्जियों से क्या मिलता है विटामिन वगैरह मिलते हैं अपने को, तो वसा और विटामिन दोनों आएंगे इसमें, वसा भी और विटामिन भी, ये लो वसा किससे मिला तेल से, और सब्जी से क्या मिल गया विटामिन, तो वसा और विटामिन जिस ऑप्शन में है ना दोनों। अपन पेन का कलर चेंज करें, ये लो कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है ये हो गया। तो ये वसा और विटामिन ये इसी ऑप्शन में था, तो ये अपना ए क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट, बी क्या हो गया प्रोटीन, सी क्या हो गया वसा और विटामिन, जो किस ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन नंबर बी में, आ गया समझ। देखो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे हो जाएगा आपके पास में बहुत जल्दी। एज्यूम कियर के क्वेश्चन आया, आप ऐसे नहीं पढ़ के गए ना तो थोड़ा बहुत तो ऐसे पता भी तो चलता है ना, एक आधा ऑप्शन आए उससे भी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीकरण पता है क्या होता है, आपने पहले अभी तक पढ़ा है मतलब श्वसन किसको कहते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, उसको श्वसन करते हैं। आगे जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ना अपन साइंस सब्जेक्ट में जाके, तो होता है भोजन का ऑक्सीकरण, फूड ऑक्सीडेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं रेस्पायरेशन, श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन में ये बोल रहा है कि आपके पास में ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है एटीपी फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इस रूप में ऊर्जा निकलती है शरीर के अंदर। तो वो ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, तो आप सबसे ज़्यादा देखो बॉडी बनाने में तो किसका योगदान होता है प्रोटीन का, सबसे ज़्यादा बॉडी तो कौन बनाता है प्रोटीन बनाता है, बॉडी बिल्डर माना गया। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी है ना, एनर्जी वो वसायुक्त चीज़ों से मिलती है, तो आंसर ये नहीं होगा, कभी आप पढ़ेंगे तो ये कर लेंगे, ये तो किस में है बॉडी बिल्डर के रूप में काम आता है, तो वसा से मिलती है सबसे ज़्यादा एनर्जी। वसा में कौन, चिकने पदार्थ, तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ आ जाते हैं जो तेल से बनते हैं ना जो, और क्या आ जाता है बटर, मक्खन, घी, ये सब, ये किस में होते हैं वसा में, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, एटीपी देते हैं बॉडी को, ठीक है। विटामिन तो मतलब रोज़ नीड होती है जिनकी, स्टार्च ये सब उनसे मिलते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के गाढ़ेपन के लिए आवश्यक है, ये भी आ गया, अभी आया है ये भी, खून का गाढ़ापन, क्योंकि ब्लड बनाने में योगदान किसका है विटामिन ए का, क्योंकि ये करता है ब्लड का थक्का जमना ये सब, तो ये किसके लिए है विटामिन के, इसका आंसर होगा इसका, इसमें कोबाल्ट मेटल होती है। विटामिन डी इसकी कमी से रिकेट्स होता है, बार बार में लिखते जाएंगे अपने आप याद हो जाएंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बस यही तो था आपका, और क्या था, सब आते हैं तो आपके पास में ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित तत्वों के जोड़ों में कौन सा एक सभी प्रकार के प्रोटीन, भाई ये बोल रहा है कि एक कोई भी है जिसमें सारे प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसमें अपने को खोज करना उसको। आयरन, आयरन तो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता, तो ये तो नहीं हो सकता, और इसके साथ में दिया CO2, ना ना ये तो क्या करेगी, ये तो अपन छोड़ते हैं बाहर। सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम भी सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होता है अपने को, सोडियम और O2 ये भी कम मात्रा में। पोटेशियम, पोटेशियम तो सोडियम से भी कम चाहिए, और नाइट्रोजन ये है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं। देखो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं ज़्यादातर तत्व, कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन ले लो, वसा ले लो, सब में कार्बन हाइड्रोजन, जैसे मैं बात करूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज
जिससे अपन एनर्जी मिलती है, तो उसका फॉर्मूला ही देखो क्या होता है, C6H12O6 होती है, उसमें ऑक्सीजन भी है पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है अपने पास में, तो क्या आएगा अपने पास में कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन के संघटन है ना उनमें ये होते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होती है, प्रोटीन में ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन वो इसने दी नहीं है, तो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है ना मात्रा वो किसकी होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध, विटामिन सी ये पूछ रहा है कि अपने को कहाँ से मिलता है। विटामिन सी मिलता है सिट्रस फल, जिनको खट्टे फल बोलते हैं, ये सिट्रस फल खट्टे फल। अब खट्टा कहाँ से मिलता है आपको, आंवला, नींबू, मौसमी, संतरा, जो भी आते हैं ना इनसे मिलता है। खजूर, खजूर तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हो जाता है। दाल किसकी हो जाती है, प्रोटीन की, प्रोटीन। अंडा है ना वो भी किसका हो जाता है, प्रोटीन का। और अंडे में वैसे और भी आ जाते हैं, खजूर एक तरह से मीठा होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये विटामिन सी की बात कर रहा है, तो विटामिन सी अपने को खट्टे फल मिलते हैं जैसे नींबू, सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, आंवला से सबसे ज़्यादा, आंवला। तभी तो देखो अचार ये जो भी होते हैं ना, संतरा, ये आपको रोज़ खाने की नीड होती है, नींबू, मौसमी, संतरा, इनसे मिलता है। आ गया समझ क्वेश्चन। ये इसमें ये विटामिन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पोषक पदार्थ भाई किससे क्या मिलता है, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है यहाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, साइनोकोबालेमिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। अब मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है, तो वो है B12 है, जिसमें क्या होता है कोबाल्ट मेटल, कोबाल्ट धातु होती है। विटामिन B6 का मैंने आज ही बताया है आपको, नाम क्या नाम है आप इसका लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। विटामिन बी की बारे में सबसे पहले विटामिन B1 है ना उसी के बारे में चलता है, बी को लिया जाता है ना वो B1 का ही लिया जाता है। जैसे टोटल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन बात करते हैं ना, कभी कभी डायरेक्ट विटामिन बी लिख देते हैं, तो वो B1 का ही लिया जाता है। तो B6, B2, B1 इन तीनों का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त और वो अनिवार्य तत्व है। बात कर रहा है किसकी, प्रोटीन, प्रोटीन के संश्लेषण की बात कर रहा है। तो प्रोटीन में देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंपलसरी होता है, ये प्रोटीन के गठन में काम आते हैं, प्रोटीन के संगठन में। तो आप ये याद रख लेंगे, अब यहाँ से ढूंढ लें प्रोटीन के संगठन में, अगर नाइट्रोजन नहीं हो ना तो कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। तो बात अपने को तो ये दे रखे हैं आपके पास में, बोरोन वो सूक्ष्म मात्रा में, आयरन ये भी सूक्ष्म मात्रा में, मैग्नीशियम भी सूक्ष्म मात्रा में। वैसे मैग्नीशियम है ना वो पौधों का घटक होता है, तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। प्रोटीन के संगठन में सबसे अच्छे वाला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित चित्र बना हुआ है, अमीबा है ये, जिसकी में अंदर क्या पाई जाती है, एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये भी याद रखना है, कोशिका आपके चैप्टर में है, एक कोशिकीय जीव जिसका नाम क्या होता है, अमीबा, अमीबा में पोषण को दर्शाता है। विकल्प में नामांकन ए और बी, बी देखो 6 लिखा गया, बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित करना है। ये है कि ये किया गया इसमें कि ए क्या काम कर रहा है, बी क्या काम कर रहा है, ये है अमीबा, ठीक है। अमीबा की ये कोई स्ट्रक्चर वैसे नहीं होती है, ये है इसका क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये फूड है, फूड पार्टिकल है, ये जो रेड कलर में लिया ना, दूसरे कलर में लें, अब चलो दूसरे में ले लेते हैं, कौन सा नहीं लिया, ये ले लेते हैं, ये है अपना फूड पार्टिकल जो रेड कलर में था ना यहाँ, फूड पार्टिकल ये लो। तो ये बताना है कि ये ए तो क्या काम है और बी जो है ना वो क्या काम कर रहा है, ये रहा बी, अभी इसने ले लिया। ये जो भरा हुआ ना इसका जीवद्र होता है साइटोप्लाज्म, वापिस ब्लैक से भरे इसको, वरना दूसरे कलर का हो जाएगा। तो ये देखो ये जो, ठीक है इससे लगा देते हैं, ये यही है, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये वाला, ये साइटोप्लाज्म है इसका, जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो इसका आपसे पूछा नहीं है, ये अमीबा है, अमीबा का न्यूक्लियस है। अब ये देखो फूड पार्टिकल है, इसको क्या कर रहा है, ये ए कंडीशन में, ठीक है। ये जो निकलते हैं ना इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, पादाब जिसको बोलते हैं, पादाब है
सुडोपोडिया बोलते हैं, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। जिस टाइम इसको नीड होती है ना, जैसे अपने पैर हैं हाथ हैं तो ये हैं तो रहेंगे, ठीक है, लाइफ टाइम का काम है। और इसके ये क्या कि ऐसे उबार बनते जाते हैं जिसको सुडोपोडिया बोलते हैं। जैसे ये गमन भी ऐसे ही करता है, जैसे ये है तो ये यहाँ टिका, फिर आगे बढ़ेगा ऐसे जीव दर आगे जाता जाता है, और इस टाइप से कर्मानुकुंचन गति बोलते हैं इनको। तो ये बोल रहा है कि इनमें कौन सी क्या चीज़ है, ए खाद्य रसदानी है, ठीक है, और भोजन का अंतग्रहण है, और बी क्या है, पादाब। ना बी को तो अंदर ले लिया ना इसने, तो ये तो ठीक था कुल मिला के, पर ये बी में ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये पूरा ही गलत हो गया। फिर देखो ए पादाब है जो भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, बी खाद्य रसदानी है जो भोजन का पाचन कर रही है, हाँ ये सही बात है, ये ऑप्शन होगा। देखो ये ऑप्शन नंबर, अच्छा बी यहाँ आया है, ए यहाँ आया है, फिर ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, तो इसका बी देखना। ए में ये जो निकले हुए थे ना, मैंने बताए थे ये सुडोपोडिया हैं, पादाब जिनको बोलते हैं, ये बोल दिया, जो कि भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, इस टाइप से बने हुए हैं ये सुडोपोडिया हैं। अब भोजन का पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया तो ये सुडोपोडिया आपस में जुड़ जाते हैं, भोजन को अंदर ले लिया, फूड पार्टिकल को ले लिया। अब देखो ये अंदर लेके क्या करेंगे, भोजन का पाचन, यहाँ अब इसका भोजन का क्या कर लेंगे, पाचन और एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी किस रूप में मिलती है, एटीपी रूप में, ठीक है, इस रूप में। अब देखो यही आपसे पूछ रहा था ये इस क्वेश्चन में, खाद्य रसदानी भोजन का विक्षेपण, विक्षेपण तो किया ही नहीं है अभी, इसने उत्सर्जन होगा ये तो, ठीक है, भोजन का अवशोषण, अवशोषण तो पहले पचे तो सही, बाद में होगा ना अवशोषण, तो बी ऑप्शन होगा इसका, भोजन का अंतर्ग्रहण कर रहा है कहाँ, ए कंडीशन में, ये वाला ए, ठीक है, ए ये है, और बी क्या है, बी है भोजन का पाचन, आ गया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, मैंने अभी अभी बताया था, भोजन में आपको जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है, एटीपी फॉर्म में, और एटीपी फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है, वसा से, और वसा में कौन शामिल होता है आपके पास में, मक्खन सबसे ज़्यादा मिलती है। पर ये तो बोल रहा है बॉडी बिल्डर, बॉडी को बनाने में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो होता है कौन, प्रोटीन, प्रोटीन से बना हुआ जो भोजन होता है, जैसे अपने पास में क्या होता है, दाल, दालें जो होती हैं, और अब क्या चल रहा है, मटर, तो मटर एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रोटीन से बना हुआ भोजन जैसे कि मटर, ठीक है, दाल से मिलते हैं ना प्रोटीन, ये आता है, वसा से बना हुआ ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है अपने को, जैसे कि मक्खन, विटामिन जो थोड़े टाइम के लिए आते हैं जैसे कि सेब, कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए भोजन जैसे कि गेहूँ, एनर्जी तो ये भी देते हैं, ये अपन लेते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना बॉडी बिल्डिंग, वो बोला जाता है प्रोटीन से बने हुए भोजन को, आ गया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण रूप से पाचन, पाचन कहाँ होता है, एक चैप्टर आपके पाचन तंत्र भी डाल रखा है, पाचन तंत्र, जिसमें अपने कहाँ से भोजन कैसे ग्रहण किया जाता है, फिर कहाँ उसका पाचन होता है, फिर कैसे उत्सर्जन होता है, ये तंत्र भी डाल रखे हैं आपके, ठीक है। तो पाचन तंत्र, सबसे ज़्यादा जो भोजन का पाचन होता है ना वो होता है आपके छोटी आंत में, तो अभी तो आप यहाँ ये याद रख लें, आमाशय में भोजन का पाचन कम होता है, ठीक है, आमाशय से वैसे एंजाइम निकलते हैं पचाने के लिए, बड़ी आंत में अवशोषण होता है, मलाशय में भोजन जो पच जाता है ना, ठीक है, वो रहता है जब तक उसका उत्सर्जन ना हो तब तक। तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में, पाचन तंत्र में अपन इन विद डायग्राम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, जो सबसे पहले दिखाई थी ना संतुलित थाली, वो सबके लिए ही अच्छी है, तो गर्भवती महिला के लिए भी है, पर फिर भी अपन ऑप्शन देखें, घी से भरा हुआ आहार ना, ये तो कम ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें दे रखा था सबसे पहले आपके पास में कि घी और बटर से बनी हुई चीज़ कम खाएं, तो ये तो नहीं होगा। प्रोटीन और विटामिन लेनी चाहिए, प्रोटीन और विटामिन, पर और भी तो लें कुछ, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित आहार ऑप्शन सही है ये, क्योंकि वो बताएगा किसको कितनी नीड है किस चीज़ की, तो वो बता देगा। नेक्स्ट दे रखा है, उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना, हाँ आयरन की भी ज़रूरी होती है, ठीक है। देखो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन किसकी कंडीशन कैसी, उसके अकॉर्डिंग कौन डाइटिशियन है ना वो करता है डिसाइड कि उसको क्या खाना चाहिए। तो आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित आहार, क्वेश्चन वैसे देखने में इजी है ये, और अभी आया थोड़े टाइम पहले, देखो 22 में आया है, RRB ग्रुप डी के अंदर, ठीक है, आ गया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है, किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है जो अपने बॉडी को बनाए उसको,
तो संतुलित भोजन पूरे रूप से एक अपने पास में दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें सब कुछ शामिल होता है, छोड़ के थोड़ा बहुत विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी अपने को कहाँ से मिलता है, खट्टे फलों से, तो विटामिन सी को छोड़ के बाकी दूध एक पूर्ण आहार है जिसको सबको लेना चाहिए, किशोर को भी और बड़े बुजुर्ग को भी। सब्जी, सब्जियों से अपने को विटामिन मिलते हैं ओनली, तो ये तो नहीं हुआ। रोटी और चावल, इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो सबके लिए देखो कि संतुलित भोजन की बात करें तो वो कौन हो जाता है, दूध हो जाता है। आ गया, इनसे क्या मिलता है, विटामिन वगैरह मिलते हैं, इनसे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन। तो इनमें देखो दूध एक ऐसा आहार है जिसके अंदर विटामिन सी कम मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत कम मात्रा में मिलता है, बाकी संपूर्ण आहार है दूध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है, कौन करता है, अभी प्रोटीन कहाँ से मिल रही है ये बात कर रहा है ये। तो ये तो अपन ने अभी पढ़ा था, बैलेंस डाइट की थाली में भी देखा था, तो वो कहाँ से मिलती है प्रोटीन अपने को, दाल से, दाल होती है ना, उनसे, दालों से प्रोटीन मिलती है, पत्तेदार सब्जियों से विटामिन मिलती है, ठीक है। अब कौन सी सब्जी, उससे, सेब से भी विटामिन मिलती है, खाद्यान्न जो है उनसे क्या मिलता है अपने को, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब होते हैं संतुलित डाइट में। पूछ रहा था कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दालों से मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है, और किन में होती है, येलो फ्रूट में, पीले जो फल होते हैं ना उनमें भी, क्योंकि एक तो आया था आपके पास बनाना, येलो फ्रूट्स में भी क्या होती है आपके पास में, विटामिन ए होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या होता है, क्या मिलता है, बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, हाँ मिल जाती है, एनर्जी भी, बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में, कई बीमारियों से लड़ने में मदद है ना, वो किससे मिलती है, विटामिन सी की सहायता से मिलती है। बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं कैल्शियम युक्त आहार लेने से, आँख की रोशनी बेहतर होगी क्योंकि विटामिन ए दे रखा है, और विटामिन ए का नाम क्या है आपके पास में, कई बार आ गया, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, रेटिनोल ये इसका नाम है, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, रतौंधी, कम दिखाई देना, तो ये ना इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर बनेगी, तो ये इसका एकदम से सही से आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है, मैंने अभी अभी बताया था बैलेंस डाइट के रूप में शामिल किया जाता है किसको, मिल्क, दूध को शामिल किया जाता है, शहद, दाल, मांस, दाल से ओनली प्रोटीन मिलती है, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है उच्च मात्रा में, शहद से कार्बोहाइड्रेट, रो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, मांस से ज़्यादा प्रोटीन ही मिलता है, वैसे तो ये भी है कार्बोहाइड्रेट लेकिन सब तो नहीं खा सकते ना, तो इसका आंसर क्या होगा, दूध, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, यूमामी क्या है, यूमामी क्या है, अब ये तो देखो ग्रीक में, यूनान में सबसे पहले ऐसे वर्ड हैं, ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये है स्वाद का एक प्रकार, भोजन खाते हैं अपन, भोजन लेते हैं ना, तो उसका टेस्ट होता है ना, उसके बारे में अध्ययन कर रहा है, तो स्वाद का एक प्रकार, ये एक पद्धति है जिसमें क्या है, यूमामी बोला जाता है, ठीक है। एक बैंड समूह धातु का प्रकार, चिकित्सा पत्ती ना, ये एक स्वाद टेस्ट, यूमामी याद रख लेंगे आप, ये थे आपके क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो कौन सा था, बीमारियां कंप्लीट हो गया 9 सेक्शन के अंदर। अब दूसरा चल रहा है पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ की एक क्लास तो हो गई है, आज हो गए हैं 30-35 क्वेश्चन, और बचे हुए क्वेश्चन है ना वो एक क्लास में और हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो नए नए जितने क्वेश्चन है ना, और जो अभी करंट में पूछे जा रहे हैं, जो पूछे जाने की संभावना है, उनकी क्लासें और लेके आएंगे, तो आप इनको पढ़ते रहें साथ साथ में, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते।